तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अकलियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहाँ तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिम पूरा हुआ, 83 में नली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए, मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं, बताओ? पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर मुझे, मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौकफ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा, अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं, मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है संविधान के दायरे में रहकर।